नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। आज एक अद्भुत धर्मस्थल के बारे में मैं आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। झारखंड के साहबगंज जिले से कुछ दूरी पर स्थित है तालझारी प्रखंड, और तालझारी प्रखंड के आसपास इस वक्त मैं खड़ा हूं, जहां मोती झील के नाम से इस जगह को जाना जाता है। इस झरना का क्या कुछ इतिहास है, और बगल में ही शिव मंदिर अवस्थित है। चारों तरफ पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो यहाँ पर है। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा पर्सन चारों तरफ का ये अद्भुत नज़ारा सबसे पहले आपको दिखाएं, और फिर बात करेंगे यहाँ के इतिहास की, इस जगह का कैसे जीर्णोद्धार हुआ, किन किन लोगों का योगदान है, और इसकी पौराणिक कथाएं क्या क्या है। केले के वृक्ष को आप देख सकते हैं, पर्वतों पर बहुत कम होता है जब आपको केले का वृक्ष दिख जाए। और यही कंदमूल की जो बात होती थी पहले, जो लोग वनवास में होते थे उस दौरान में जो लोग फलों का सेवन करते थे, उनके लिए बहुत बड़ा स्रोत था ये। और यहाँ देखिए तीन तालाब बना हुआ है। इन तीन तालाब में लोग स्नान करते हैं। स्नान ध्यान करने के बाद शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं और बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। सबसे बड़ी बात है इस मोती झरना की कि पानी देखिए आपको दो भाग में बंटकर, एक तरफ ऊपर के पर्वत से फिर नीचे आता है, और उसके बाद ये पानी पवित्र स्थल से इस जगह पर गिरता है जिसमें लोग स्नान कर रहे हैं। पहले लोग झरने में भी नहाया करते थे, लेकिन कुछ घटनाएं भी हुई और उसके बाद प्रशासन द्वारा उस एरिए को कवर कर दिया गया है। हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय नागरिक और इस मंदिर के केयर टेकर जुड़ेंगे। इनका नाम और परिचय जानते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से सबसे पहले ये लोग इस मंदिर की देखरेख करते हैं, और संक्षिप्त में इस मंदिर का क्या कथा और इतिहास है। पांडवकालीन मंदिर है, राजा मानसिंह से जोड़कर इस मंदिर को देखा जा रहा है, और बहुत ही दार्शनिक स्थल है। संक्षिप्त में आप ये बताएंगे कि क्या कथा है, क्या इतिहास है। जी, मेरा नाम सदानंद मंडल है और मैं मोती झरना का केयर टेकर हूँ। और यहाँ का इतिहास बोला जाता है कि राजा मानसिंह के समय से ही इसको लोगों के नज़र में आया, और धीरे धीरे करके इसको डेवलप किया गया राजा मानसिंह के समय से। अच्छा, कुछ इतिहास इस तरह का भी है। कुछ लोग कह रहे थे कि जब पांडव वनवास के दौरान थे, वनवास के समय से ये परंपराएं चलती रही। चलेंगे मंदिर के तरफ और वहां भी लोगों को हम दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि जब पांडव वनवास के दौरान थे, वनवास काल के दौरान थे, तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण की आराधना हुई। कृष्ण भगवान की आराधना के बाद महादेव जी का मंदिर और एक झरने का निर्माण हुआ। बाबा विश्वकर्मा जी ने इसका निर्माण किया है, और यहीं पर माता क्या कहते हैं पार्वती, भगवान भोलेनाथ और पांचों पांडव उनकी पूजा आराधना करते थे माता द्रौपदी के साथ। ऐसा भी कुछ इतिहास है इसका? जी हाँ, आपने सही जानकारी प्राप्त की है। ये सही बात है बिल्कुल। तो अभी मंदिर का देखरेख किस तरह से होता है? यहाँ पर कोई ट्रस्ट काम कर रहा है या फिर सरकारी सहयोग भी होता है? सरकारी सहयोग तो नगण्य रूप में हो रही है, और यहाँ के कुछ अगल बगल के सामाजिक लोग, धार्मिक लोग मिल करके 2008 में एक मोती झरना विकास समिति नाम का ट्रस्ट बनाए थे जी। उसी से यहाँ का देख रेख, पूजा पाठ, सुबह शाम की आरती या जो भी यहाँ का व्यवस्था देखा जा रहा है जी, यहाँ उस समिति करती है। और साल में दो बार कम से कम हर सावन में 5 लाख के आसपास यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। फिर शिवरात्रि में भी उसी प्रकार 5 लाख 6 लाख के आसपास सावन में अधिकतर भीड़ रहती है, लेकिन आम दिनों में भी आप देखिए, आम दिनों में भी यहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं का आना जाना बना है। सबसे बड़ी बात है झरना है, और झरने का पानी काफी ठंडा है। इसमें लोग स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद बाबा महादेव यानी कि इस जगह के जो मोतीनाथ महादेव हैं, उनकी पूजा आराधना की जाती है। यहाँ पर देखिए लोग नहा रहे हैं काफी अच्छे तरीके से। हालांकि यहाँ पर साबुन और आपको शैम्पू लगाना मना ही है, बावजूद इसके कुछ लोग साबुन शैम्पू लगा लेते हैं। चूंकि दार्शनिक स्थल है, और सबसे बड़ी बात है कि इस स्थल का देखरेख
कमेटी द्वारा किया जा रहा है, इसलिए आम जनों के सहयोग की बहुत जरूरत है। और अब हम धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। मंदिर की तरफ मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन पहले जाए और बाद में हम लोग मंदिर की तरफ रुक करेंगे। ये मंदिर से हम प्रवेश करेंगे, आप जो देख रहे हैं ये बाद में बनाया गया है और अंदर गुफा है। गुफा इतना अद्भुत है जिसका दर्शन करते ही आप मानो कि किसी ऐसे डिवोशनल प्लेस पर पहुंच गए जहां आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मंदिर तक भी हम चलेंगे और अंदर जाके ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर मंदिर के अंदर का जो हिस्सा है उसमें किस तरह से यहाँ देखने के लिए, दर्शन करने के लिए बाबा भोलेनाथ का लोग इसमें आते हैं। देखिए बिल्कुल गुफा आकार में ये जगह, आपको भगवान महादेव का शिवलिंग आपको सामने दिखेगा, दो शिवलिंग है। और आगे की तरफ भी हम चलेंगे, मेरे कैमरा पर्सन से मैं चाहूँगा देखें, ऊपर सर भी लग सकता है आपका, नीचे की तरफ से झुक झुक कर आराम से आप चले। यहाँ बाबा महादेव का ये शिवलिंग है और ये शिवलिंग पहले से स्थापित है, प्राचीन काल से ये शिवलिंग स्थापित है। और इसी शिवलिंग पर जो पांचों पांडव थे, माता द्रौपदी थी, वो जल चढ़ाया करते थे। शिवलिंग का इतिहास भी हम जानेंगे, हमारे साथ मंदिर के केयरटेकर जुड़े हुए हैं। आप बताएं इस शिवलिंग के बारे में क्या कुछ कहा जाता है। मान सिंह जी ने तो उद्धार किया, जीर्णोद्धार हुआ, ये शिवलिंग यहाँ स्थापित किया गया या पौराणिक है? ये पौराणिक है और जहाँ तक की मेरी जानकारी है ये मोतीनाथ बाबा के नाम से जाना जाता है और पूरे इलाका में ये शिवलिंग जी रेयर है। इसमें आप देख भी सकते हैं इनके आकार जी, दो आकार का है, दो आकार में डिवाइड है जी। देखिए यहाँ पर इस शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों का साक्ष आप मान सकते हैं, दो आकार में ये डिवाइड है और ये पौराणिक शिवलिंग है जी। बिल्कुल, तो क्या कहना चाह रहे थे आप जी? इन्हें अर्धनागेश्वर के रूप में जाना जाता है अर्धनागेश्वर के जी। हाँ, और इनकी अर्धनागेश्वर बहुत रेयर शिवलिंग है और इस तरह नेचुरल आपको रेयर मिलता है ये। बिल्कुल जी, ये अद्भुत नजारा है, हालांकि इधर जाना खतरनाक है इसलिए हम आपको दिखाएंगे यहीं से। ये झरना आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जोरदार बारिश हो रही हो और इसी का लुत्फ यहाँ पर आने वाले सैलानी उठाते हैं, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु उठा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, झारखंड की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आज हमने एक दार्शनिक स्थल का आपको दर्शन कराया है और हमारे साथ सहयोग दिया है इस मंदिर के केयरटेकर ने। उम्मीद है यह खबर आपको जरूर अच्छी लगी होगी, तो एक बार आप भी जरूर मोतीनाथ महादेव का दर्शन करने मोती झरना पहुंचे, क्योंकि ये नज़ारा अद्भुत है और इस अद्भुत नज़ारे के बीच वास है भगवान भोलेनाथ का, जिनके सामने आपके दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं, आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होती है।